वह समाप्ति की ओर है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार एसटीडी सर्टिफिकेट, उसके बाद बिहार एसटीडी पर जो कोर्ट केसेस थे, और तीसरा जो मुख्य बहाली स्टार्ट ना होने का वह था छठा चरण, और वह भी अब समाप्ति की ओर है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षक बहाली जो होगी सातवें चरण की, वह जुलाई अगस्त में क्या उसका विज्ञापन आने वाला है। साथ ही जो सचिवालय में संजय कुमार जो है प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा प्राइमरी बहाली को लेकर क्या कुछ अपडेट दी गई है, वह भी इस वीडियो में आपको हम जरूर बताएंगे। और सेवन फेज की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो भी हेडलाइंस हम कह सकते हैं सातवें चरण के बारे में चारों तरफ से निकल कर आई हैं, उनसे भी आपको रूबरू जरूर कराएंगे। इसलिए वीडियो आप एंड तक बने रहें यदि आप सातवें चरण में शिक्षक बनने का सपना बिहार राज्य में देख रहे हैं। कल शुक्रवार था, फ्राइडे था, और आप लोग जानते हैं कि प्रधान सचिव जो है संजय कुमार, उनसे मिलने अभ्यर्थी जरूर जाते हैं, खासकर वह अभ्यर्थी जो सातवें चरण के एलिजिबल हैं, सातवें चरण के पात्र हैं, यानी कि जो सीटेट, बीटेट या फिर एसटीईटी क्वालिफाइड है। तो देखिए कल भी अभ्यर्थी जो है उनसे मिलने गए थे, और उनकी तरफ से जो है एक जवाब जो है स्पष्टीकरण तो नहीं दिया गया, स्पष्ट डेट तो नहीं बताई गई प्राइमरी बहाली को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों का यही प्रश्न था कि जो सिक्स फेज की प्रारंभिक भर्ती है वह तो पूरी हो चुकी है, अखबारों के माध्यम से खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं कि 42,000 अभ्यर्थी जो है छठे चरण में बहाल हो चुके हैं, और जो विशेष चक्र वाली 900 अभ्यर्थी थे उनको भी 18 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। यानी कि सिक्स फेज की प्राइमरी शिक्षक बहाली पूरी तरह से कंप्लीट है, शिक्षक जो है योगदान भी कर चुके हैं। तो अब जो बची हुई सीटें हैं, 94,000 जो भर्तियाँ निकाली गई थी उसमें से 42,000 ही भर पाई हैं, तो बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनको अब सेवन फेज में ऐड करके, फॉरवर्ड करके, सारी सीटों को कैलकुलेट करके अब प्रारंभिक की भर्ती निकाल देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है सचिवालय में संजय कुमार से माध्यमिक शिक्षा निदेशक भी वहाँ मौजूद थे, अन्य ब्यूरोक्रेट्स भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो उन सबसे ये चीज़ें पूछी गई, खासकर संजय कुमार से, क्योंकि अभ्यर्थी उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो उनका यही कहना था कि एकदम से तो कोई सातवें चरण का विज्ञापन नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं है कि आज सिक्स फेज उन्होंने खत्म किया है प्रारंभिक का और कल से ही सातवें चरण का विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी ये सचिवालय की अपडेट दी थी कि जब भी वहाँ पर किसी अधिकारी से, किसी भी ब्यूरोक्रेट से ये पूछा जाता है कि कब आएगा सेवन फेज का विज्ञापन, तो उनका यही जवाब होता है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ही जारी हो जाएगा, इसमें भी 2-3 महीने का समय लग जाता है, सीटों को रिकैलकुलेट किया जाता है, कहाँ पर किस जिले में, किस प्रखंड में कितनी सीटें, कितने किस विद्यालय में रिक्त रह गई हैं, किस विषय की हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते करते उन्हें 1-2 महीने का समय ज़रूर लग जाता है। तो यही कहना था प्रधान सचिव संजय कुमार का भी प्राइमरी बहाली को लेकर कि 1-8 की जो बहाली है, जो सीटों की संख्या है, उसको पहले कैलकुलेट करेगी सरकार, उसके बाद 2022 तक की जो रिक्तियां हैं, जो नए स्कूल्स खुले हैं, जो स्कूल उत्क्रमित हुए हैं, यानी कि जो 1-8 में तब्दील हुए हैं, पहले वो प्राइमरी तक थे, तो उन सारे सीटों को भी जोड़ना बाकी है, और उसके बाद ही सातवें चरण का विज्ञापन सामने आ सकता है प्राइमरी के लिए। तो उनका भी यही कहना था। फिर दूसरा जो प्रश्न उनसे पूछा गया कि माध्यमिक का विज्ञापन क्या अलग से आएगा या फिर एक साथ आएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि माध्यमिक की जो बात है, देखिए एसटीईटी कोर्ट केसेस तो समाप्त हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं कि जो रिट केस है, पीआईएल है, सभी जो है समाप्त हो चुके हैं, साथ ही एसटीईटी सर्टिफिकेट जो एक बहुत बड़ी बाधा थी माध्यमिक शिक्षक बहाली में सातवें फेज की, तो वह भी अब समाप्त है, क्योंकि एसटीईटी सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को मिल चुका है। तो हाईस्कूल भर्ती का जो सातवें चरण का विज्ञापन है उसके लिए जुलाई या फिर अगस्त में, ऐसा कहा गया सचिवालय से कि जुलाई अगस्त में ये विज्ञापन जारी हो सकता है। सचिवालय गए जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा यह चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। तो देखिए जुलाई अगस्त यानी कि साल 2022 का जुलाई अगस्त सिर्फ 2 या 3 महीने ही दूर रह गए, आप लोग जानते हैं कि अप्रैल भी समाप्ति की ओर है, अप्रैल का महीना भी बीत चुका है। और आपको यह भी याद दिला दें कि हाईस्कूल भी जो छठे चरण में जो भर्ती अभी बाकी रह गई है उसमें सरकार ने 2019 के जो बीएड पास आउट है उनको भी अप्लाई करने का जो मौका है, जो परमिशन है, वह शिक्षा विभाग द्वारा अब दी जा चुकी है। यानी कि 2019 में जिन्होंने बीएड पास किया तो 2017-19 वाले जो अभ्यर्थी हैं वह एक बार फिर से हाईस्कूल की बहाली में अप्लाई करने के पात्र होंगे। तो इसके लिए सरकार एक बार फिर से शेड्यूल निकालने की तैयारी भी कर रही है। तो ये शेड्यूल अभी तक तो सामने आया नहीं है, केवल जो परमिशन लेटर है, जो विभागीय आदेश है, वही सामने आया था, जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, उसके बाद अभी ये जो मौका है विभाग द्वारा दिया जा रहा है। तो ये हाई स्कूल की जो माध्यमिक की बहाली है इसको देखिए सरकार इतनी जल्दी पूरा करने के मूड में नहीं लग रही है। और सचिवालय में जो ये कहा गया कि हाई स्कूल का जो विज्ञापन है वह जुलाई अगस्त में आ जाएगा,
तो देखिए ये विज्ञापन 7 फेज का होगा या फिर जो 6 फेज का विज्ञापन है वही होगा। क्यों 6 फेज का विज्ञापन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार देखिए फिर से ये जो शेड्यूल है निकाला जाएगा कि जो 2017-19 वाले अभ्यर्थी हैं वह अप्लाई करेंगे, फिर उसमें अप्लाई की डेट एक्सटेंड की जाएगी, फिर मेधा सूची बनेगी, उस मेधा सूची सभी जिलों की NIC पर अपलोड करने की एक तिथि रखी जाएगी, तो इस तरह का पूरा जो रोस्टर है जो शेड्यूल है वह निकाला जाएगा। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, 1-2 महीने से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, अप्लाई होगा उसके बाद फिर ये सारी मेरिट लिस्ट का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपत्ति होगी। तो इसमें देखिए अब हाई स्कूल का जो विज्ञापन है 7वें चरण में क्या वह जुलाई अगस्त में जारी हो पाएगा, यह इस पर भी अभी क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्न चिन्ह जो है लगा हुआ है। हालांकि सचिवालय से तो ये कह दिया जाता है कि जुलाई अगस्त में आ जाएगा विज्ञापन, लेकिन इस तरह के जो दिलासे हैं जो वादे हैं वह पहले भी अभ्यर्थियों को दिए गए थे पिछले साल से, ये जो ये जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, फिर मार्च अप्रैल में हुआ, और अब ये जुलाई अगस्त की जो बात है यह कह दी गई है 7 फेज को लेकर। तो इसको लेकर अभ्यर्थी खासा निराश है, हताश है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक बिहार में कोई चुनाव ना हो, खासकर जो विधानसभा चुनाव है उसी को जो है सरकार उसी को टारगेट रखती है कि जब भी चुनाव आएंगे तभी वह बहाली प्रक्रियाएं जो है शुरू करेगी, ताकि जो अभ्यर्थी हैं जल्दी से उनको वोट दे, उनको फिर से सत्ता में लाए। तो इस तरह की चीज़ें बिहार में कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है या कोई भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तभी जो है खासकर शिक्षक बहालियाँ बिहार में निकाली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ये कमेंट सेक्शन में ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या 2024 में ही 7वें चरण का विज्ञापन आएगा या फिर अभी विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, 2024 तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, क्या ऑनलाइन तरीके से होगी फिर, या फिर उसी तरह से नियोजन इकाइयों में जाकर हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ देखिए एक और जो मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली सरकार ने बनाई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री ने यह सब कहा था कि न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, शिक्षक मदरसों में पढ़ाई छोड़कर न्यायालयों में जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा था कि विभाग के अधिकारियों के पीछे चक्कर काटते हैं, तो इसी सब चीज़ों से छुटकारा देने के लिए उन्होंने ये मदरसा शिक्षा बोर्ड की नियमावली 2022 का निर्माण किया है। तो यहाँ पर देखिए इस खबर को एक बार आप दोबारा आपको दिखाते हैं, जहाँ पर लिखा था कि मदरसा शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन तो लिए जाएंगे, और यही बात जो है सरकार 7वें चरण के लिए भी हमेशा से कहती आई है, ऑनलाइन एंड सेंट्रलाइज, वो ट्वीट आपको संजय कुमार का आज भी याद होगा, और हमेशा ही वह इस चीज़ पर जोर देते हैं कि ऑनलाइन तरीके से ही जो है अप्लाई वगैरह लिए जाएंगे। तो यह जो पुष्टि है वह इस खबर से भी हो सकती है कि इनकी जब मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली भी बनाई गई है, उनके जो अप्लाई वगैरह हैं, आवेदन वगैरह हैं, ऑनलाइन मोड में लिए जाएंगे, तो हमारे जो 7 फेज के 1-12 वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके भी आवेदन ऑनलाइन लेने के लिए सरकार को जो वेब पोर्टल है उसका निर्माण ज़रूर अब कर देना चाहिए, क्योंकि वेब पोर्टल बनते बनते भी काफ़ी समय लग जाएगा, वेबसाइट वगैरह क्रिएट होते होते भी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 6ठे चरण जो है वो तो समाप्त हो चुका है, 7 फेज के लिए अभी अभ्यर्थियों को कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा ये सवाल लगातार अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। और किस नियमावली से बहाली होगी, साल 2020 की नियमावली से ही होगी, नियमावली में संशोधन होगा या फिर अकेडमिक बेस पर ही बहाली होगी, तो ये सारे प्रश्न जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक सरकार की तरफ से कोई भी जो विज्ञप्ति है, कोई भी जो आदेश है वह जारी नहीं किया जाएगा, और वह आदेश जारी होने में 6 फेज का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभी भी ऑब्स्टेकल, अभी भी बाधा लगातार बना हुआ है। तो आगे अगर कोई भी खबर आती है 7वें चरण की